बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 3 का पर्यावरण विषय पढ़ाने जा रही हूँ। वो हम पुस्तक में जो पाठ हमारा 5 दिया है वो आज हम पढ़ेंगे। तो पाठ हमारा 5 जो है, घर एक पाठशाला। क्या है बच्चों? घर एक पाठशाला। तो देखो, हमारा घर ही हमारी प्रथम पाठशाला है। क्या है बच्चों? हमारा घर ही हमारी प्रथम पाठशाला है। घर के सदस्य ही हमारा परिवार है। हम परिवार से ही सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अन्य जगहों की अपेक्षा परिवार से ज़्यादा सीखते हैं, अतः हम परिवार से सबसे ज़्यादा करीब जुड़े हुए होते हैं। आइए हम अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। तो बच्चों, क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे? हमारे परिवार के बारे में दिया हुआ है। तो हम हमारे परिवार के बारे में आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो क्या दिया है? हमारा घर ही हमारी पाठशाला है। तो सही बात है, हमारा घर ही हमारी पाठशाला है। घर से ही हमको संस्कार, शिक्षा, दीक्षा मिलती है। घर के सदस्य ही हमारा परिवार है। घर के सदस्य ही हमारा परिवार है और हमारी पाठशाला जैसा है। हमारा परिवार से ही हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। हमारे परिवार में ही हमको सबसे ज़्यादा बहुत यानी महत्वपूर्ण चीज़ें या बातें सीखने को मिलती है। अन्य जगहों की अपेक्षा परिवार से ज़्यादा सीखते हैं। अन्य जगहों के यानी स्कूल से ज़्यादा हम घर परिवार के टच में रह के सब बातें सीखते हैं, अतः हम परिवार में सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। आइए हम अपने परिवार के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, पहला क्या है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ वाला फ़ोटो चिपकाइए या बनाइए। तो अपने परिवार के यहाँ पे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और बहन भाई, सबका फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है। जिस जिस का फ़ोटो आपके पास हो तो आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होता है वो आप यहाँ पे चिपका दीजिएगा। अब देखेंगे आगे, आपके परिवार में कौन कौन है उनके नाम और उनका आपसे रिश्ता लिखिए। तो आपके परिवार में कौन कौन है उनके नाम और उनके रिश्ते लिखने हैं। तो देखो, यहाँ पे मम्मी पापा, दादा दादी जो भी हैं आपके, उन सब के नाम यहाँ पे बच्चों अपने आप से आपको लिखने हैं। ये टीचर आपको नहीं लिखवाएंगे। फिर देखो, अपने परिवार के किन्हीं दो सदस्यों के बीच का रिश्ता बताइए। तो उदाहरण दिया है पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। तो बच्चों, हमको यहाँ पे उदाहरण दिया है, किन्हीं दो लोगों के नाम लिखना है। तो जैसे इसमें बताया है उसी तरह से आपको ये रिश्तों के नाम लिखने हैं। फिर देखो, नीचे रिश्तों के नाम लिख के यहाँ पे आपको करने हैं। फिर देखो, सोचिए और बताइए। तो आपका नाम क्या है? तो आपका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। आपके परिवार के आपको प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। आप अपने परिवार के सदस्यों को किस तरह से बुलाते हो? तो वो भी यहाँ पे लिखना है। अगले पेज पर आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि उसमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। तो देखो, यहाँ पे दो लोग आपको बिल्कुल एक जैसे लगते हो ना, उनका आपको ध्यानपूर्वक से यहाँ देखना है। अब देखो, यहाँ क्या दिया है, क्या आप और आपके परिवार के किसी सदस्य के बीच बातचीत चलने में, हंसने में या चेहरे के में समानता है? किसके साथ है, कैसे? तो यहाँ पे चेहरे में समानता जो होती है वो किसके साथ और कैसे है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो, पहले क्या है, मेरे पापा के साथ चलने की आदत है। यानी मेरी, यानी बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है तो भी आप इसको करेंगे कि मेरे पापा की तरह चलने की आदत है। फिर देखो, मेरी बहन की मेरी मम्मी से चेहरा मिलता है। मेरी बहन का मेरी मम्मी से चेहरा मिलता है। तो देखो, इस तरह की ये दूसरी आदत हो गई। अब तीसरी आदत है, मेरे पापा की मेरे दादा के साथ हंसने की आदत है। तो क्या बोला है इसमें, मेरे पापा की मेरे दादा के जैसे हंसने की आदत है। फिर देखो, मेरी बहन मेरे पापा के साथ बातें करने में मिलती जुलती है। तो क्या लिखा है बच्चों, मेरी बहन जो है मेरे पापा के साथ बातचीत करने में मिलती जुलती है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से भी यहाँ लिख सकते हैं, मैंने लिखा है उस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये हमारी घर एक पाठशाला है, इस तरह आपको ये पाठ दिया हुआ है। तो ये क्या है बच्चों, आपको अपने आप से ही इसमें लिखना है। अब देखो नीचे, आइए अब सलमान के परिवार के बारे में जानते हैं। सलमान के परिवार में सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। सलमान में सभी धोबी का काम करते हैं। तो ये सलमान का परिवार है, देखो। सो सलमान का परिवार है, सब लोग धोबी का काम करते हैं। तो देखो,
परिवार के लोग कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में एक दूसरे का हाथ बांटते हैं। सलमान और कौटुंबिक रफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। तो जैसा परिवार में जो लोग सीखेंगे, जो लोग धंधा करते होंगे, उसी तरह से उनके बच्चे भी वही काम सीख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब आगे हम देखते हैं, सोचिए और लिखिए। तो क्या आपका परिवार भी कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? क्या आपका परिवार कोई काम धंधा करता है तो क्या करते हैं? हाँ, मेरे पापा खेती करते हैं। बच्चों आप क्या लिखोगे? हाँ, मेरे पापा खेती करते हैं और मेरी मम्मी घर का काम करती है। मेरे पापा खेती करते हैं, मेरी मम्मी घर का काम करती है। मेरी बहन मेरी मम्मी के घर के काम में मदद करती हैं। तो बच्चों इस तरह से ये हम प्रश्न का जवाब लिखेंगे। अब देखो, आप अपने घर में किस किस काम में मदद करते हैं? आप अपने घर में किस किस काम में मदद करते हो? तो घर में मैं मम्मी को साफ़ सफाई काम में, बहन सुबह में पानी भरने में काम में, दादा दादी को मंदिर ले जाने के काम में मदद करते हैं। तो बच्चों हम लोग किस काम में मदद करते हैं? घर में मम्मी को सफाई काम में मदद करते हैं, बहन सुबह में पानी भरने में काम करती है, दादा दादी मंदिर जाने में काम करते हैं, दादा दादी को मंदिर ले जाने के लिए काम करते हैं। तो हमें कुछ भी हो, छोटा बड़ा, अपनी मम्मी पापा को काम कराते ही रहना चाहिए। तो बच्चों अब आगे हम देखेंगे, हम अपने परिवार के एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। सलमान और रफीक दोनों अपने चाचा चाची साइकिल चलाना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे सलमान और रफीक अपने चाचा चाची के पास साइकिल चलाना सीख रहे हैं। सोचिए और बताएं, आप भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। आप कौन सा काम किससे सीखा? आपने कौन सा काम किससे सीखा? क्या किसी ने आपसे भी कुछ सीखा है? तो ये बच्चों आपको अपने आप से लिखना है। आपने जो काम सीखा हो वो अपने आप से यहाँ पे लिखना है। आप किससे कब मिलते हैं लिखिए। तो बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे हम, आप किससे कब मिलते हैं और लिखिए। तो जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं पापा के पास जाती हूँ। जब आप दुखी होते तो किसके पास जाते हो? पापा मम्मी के पास। तो यहाँ आप लिख सकते हो पापा मम्मी। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ? तो दादी के पास। किसके पास जाती हूँ? दादी के पास। जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं मम्मी के पास जाती हूँ। किसके पास जाती हूँ? मम्मी के पास। जब मुझे कोई गलती हो जाती है तो मैं किसके पास जाती हूँ? मम्मी के पास जाती हूँ। किसके पास जाती हूँ? मम्मी के पास जाती हूँ या पापा के पास जाती हूँ। तो आप अपने हिसाब से भी ये लिखेंगे। फिर देखो, जूते बाहर उतार कर घर में आना यह सुरेखा के घर का नियम है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के दादा नाराज हो जाते हैं। तो आपके परिवार के भी अपने कुछ नियम हैं, कौन कौन से? तो सुबह उठकर हम घर के सभी सदस्य धरती माँ को वंदन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हम सभी सुबह उठ के धरती माँ को वंदन करना ही चाहिए। तो इसमें मैंने भी लिखा है कि हम सब उठकर सुबह धरती माँ को वंदन करते हैं और बड़ों के पैर भी छूते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। तो इस तरह से आपको ये लिख देना है। अब देखो, सोचिए और बताइए है। तो आपके परिवार में किसको खुश होने पर हंसने की आदत है? तो जो हमारे परिवार में जो खुश होता है उसको हंसने की जो आदत है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। आप खुश होने पर क्या करते हो? तो जो भी आप खुश होने पर क्या करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। खुश होने वाला व्यक्ति हंसने के अलावा और क्या क्या करता है? तो बच्चों आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। आप अपने परिवार के बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं? आप अपने आसपास देखिए और जानिए लोगों इज्जत देने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो बच्चों ये जो प्रश्न हैं वो मैंने स्वाध्याय पोथी में किए हैं। तो अगले पीरियड में मैं आपको स्वाध्याय पोथी पढ़ाऊंगी, तो उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। तो आज मैंने आपको ये पाठ किताब के अंदर समझा दिया है। तो आपको जो ये इसमें दिया हुआ है फोटो चिपकाना है, यहाँ रिश्तों के नाम लिखने हैं, यहाँ भी रिश्तों के नाम लिखने हैं, ये है जो मैंने और लिख दिया है ये है। तो ये आपको जो इसमें खाली जगह जैसा दिया है वो आपको इतना कर देना है और अगले पीरियड में मैं आपको स्वाध्याय पोथी में पढ़ा दूँगी। और कोई इसमें नहीं आता हो वो छोड़ देना, फिर मैं आपको कभी आपको
सिखा दूंगी। तो और स्वाध्य पोथी में सब आ जाता है बच्चों, तो स्वाध्य पोथी में आपको पढ़ाऊंगी, तो ये स्वाध्य पोथी में से देख के आप इसमें लिख सकते हैं, और मैं स्वाध्य पोथी के फोटो भी आपको भेजूंगी, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगले पीरियड में मैं आपको दूसरा विषय पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना, थैंक यू।